फुल डिटेल के साथ अगर आईब्रो ट्यूटोरियल देखना चाह रही हैं और घर पर अपनी आईब्रोज को सेट करना चाह रही हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शनीला मेकअप व्लॉग। आज मैं आप लोगों को घर पर आईब्रोज करना सिखाऊंगी कि आप लोग अपनी आईब्रोज को किस तरह से बना सकती हैं। आपने जो है, मैंने जो स्ट्रेट लाइन लगाई है यहाँ पर जो है आपने डाउन करना है, और जहाँ से मैंने यहाँ से जो है आपने ऊपर की तरफ आईब्रोज को लेके जाना है, और जो आपने कॉर्नर रखना है मीन्स जो कट रखना है ना, उसको आपने इस तरह से जो है वो ड्रा कर लेना है। एंड उसके बाद ही आप लोगों ने इस तरह से अच्छी तरह से आईब्रोज की कटिंग करने से पहले आपने जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हर बाल को आपने स्ट्रेट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा हेयर होंगे ना, उनको इस तरह से सीजर की हेल्प की मदद से आपने हेयर्स को कट करना है और अप टू डाउन कट करना है। इस तरह से एक्स्ट्रा हेयर्स जो हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ हेयर्स आ रहे हैं ना, इन हेयर्स को आपने कट करना है। ये नहीं है कि आप सारे हेयर्स को कट कर दें। अगर आपकी आईब्रो की कटिंग अच्छी आप कर लेती हैं ना, तो आप लोगों के लिए आईब्रोज को बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजिली आप बना सकते हैं। यह उन लड़कियों के लिए हैं जो न्यू बिगनर्स हैं, जो आईब्रोज वगैरह उन्हें नहीं करनी आती, तो ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और बेस्ट डिटेलिंग वीडियो है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। आप लोगों को आज के ट्यूटोरियल में मैं फुल डिटेल के साथ आईब्रोज करना सिखाऊंगी, और जो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना कर दूँ और किस टॉपिक पे मैं आप लोगों को वीडियो लेके आऊँ, वो आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है ना, वो हैंड फिट वाइटनिंग के लिए है। आप लोगों के लिए बेस्ट होम रेमेडीज़ भी हैं और ईच स्पेशल नाइट क्रीम्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी आप लोग कौन सी यूज़ कर सकती हैं। और जी, यहाँ पर हम लोगों ने जो है हेयर्स को आईब्रोज के कट कर लिया। आपको मैं दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा स्लोली कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके और जो न्यू हैं उन्हें पता हो कि हमने आईब्रोज की कटिंग किस तरह से करनी है। अब आप लोग बिफोर एंड आफ्टर का जो फ़र्क है ना, वो क्लियरली देख सकती हैं। इनके आईब्रोज फुल आई हुई हैं और ज़रा सी भी जो है इनकी आईब्रोज की शेप नहीं बाकी। इनको आईब्रोज को शेप अप हमने करना है। अब आप लोग देख लीजिए, मैं यहाँ पर जो अप टू डाउन है ना, यहाँ से हेयर्स लूँगी और जिस डाउन लेके जाऊँगी, जिस डायरेक्शन में जो है मैंने हेयर को कटिंग किया था ना, उसी डायरेक्शन में जो एक्स्ट्रा हेयर्स है ना, एक दफ़ा जस्ट आपने वो उतारने इस तरह से। अब आप लोग वो निशान देख सकते हैं, वो हमारी आईब्रोज का जो कट है ना वो रखना है। मेरी जो क्लाइंट है इनके थोड़े से खम वाला आईब्रोज जो है वो बनता है कट वाला, उनके गुलाई में आईब्रोज नहीं बनते। और जो मेरी आप लोगों के वो क्लाइंट पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का जो है वो आईब्रोज शेप लेना चाह रही हैं। अब आप देखें कि मैंने यहाँ से आईब्रोज को अच्छी तरह से पहले नीचे की तरफ कर लेना है एंड देन यहाँ से मैंने इनके हेयर्स को रिमूव करना स्टार्ट करना है। अब आप लोग देख लें, जो हमने कट रखा था ना उसी कट तक लेके जाना है थ्रेड को, उससे ज़्यादा यहाँ से हम लोगों ने ये वाले जो टू हेयर्स हैं ना इनको निकालना है। यहाँ से ये वाले हेयर्स एक्स्ट्रा हैं और ये जाएंगे इस तरह से। पहले आपने फोर हेड नीट कर लेना है अपनी शेप निकालने के बाद, एंड देन आपने फिर आईब्रोज के साथ साथ जो हेयर्स एक्स्ट्रा रह जाएंगे वो आपको भी क्लियरली नज़र भी आएंगे और समझ भी आएंगे कि ये वाले हेयर्स जो हैं हमने निकालने हैं। और आहिस्ता आहिस्ता बालों को निकालें। अगर आप न्यूली आईब्रोज वगैरह करना सीख रही हैं ना, तो एकदम से आपने शेप तक नहीं चले जाना, आपने पहले एक्स्ट्रा हेयर्स को नीट करना है इस तरह से। जब आप यहाँ से जो है वो नीट कर रही होंगी, तो आपने जो है उसी डायरेक्शन में जिस तरह आपने ऊपर से आईब्रोज बनानी है ना, उसी तरह आपने नीचे से भी आईब्रोज की वही शेप रखनी है। यहाँ से पहले ये देख लें, मैंने एक्स्ट्रा हेयर्स को रिमूव किया एंड देन जो थी यहाँ से यहाँ तक जो है आईब्रोज, इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ से नीट करूँगी और स्ट्रेट थ्रेड रख के, इस तरह से स्ट्रेट थ्रेड रख के आपने रिमूव करना है। ठीक है, स्ट्रेट थ्रेड जब आप रखेंगी ना, तो एक शेप अप आ जाएगी आपकी जो आईब्रोज हैं, आपको पता चलेगा। अगर आप लोगों को इस तरह करना मुश्किल लगता है, तो आप लोग पहले ड्रा कर लिया करें एंड उसके बाद जो है आप थ्रेडिंग जो है वो स्टार्ट किया करें, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि हमें इतनी शेप चाहिए और आप थिक रखना चाह रही हैं या थिन करना चाह रही हैं, वो आप पर डिपेंड करता है या आपके क्लाइंट पर डिपेंड करता है आपको कैसी आईब्रोज जो हैं वो पसंद करती हैं। क्योंकि आजकल तो मोटी आईब्रोज का ही ट्रेंड है और हर कोई वैसे ही आईब्रोज बनाता है, बट आपका अगर सैलून है तो आपके पास हर तरह का क्लाइंट आएगा जो आपसे हर तरह की डिमांड कर सकता है। आपको काम करना जो है वो आना चाहिए। अच्छा जी, ये देख लें, यहाँ पर जो थे ये टू हेयर्स थे जो एक्स्ट्रा थे, उनको कैसे रिमूव करना है कि
अगर आप एक या दो बालों को रिमूव करना इस तरह से चाह रही है ना, तो ऊपर से अगर फॉरहेड टाइट होगा तो वो खुद ब खुद जो हेयर है वो निकल जाएगा बाहर ना, और आप उसको ईजिली और आसानी के साथ जस्ट उन्हीं हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ही जब आपकी देख लें कि आईब्रोज अच्छी तरह नीट हो गए, अब यहाँ से मैंने हेयर्स निकालने हैं क्योंकि मैंने उसी आईब्रोज के बराबर इन आईब्रोज को लेके जाना है। तो एक एक हेयर्स ना आपने इस तरह से निकालने हैं, एक ही दफ़ा में काफ़ी सारे हेयर्स नहीं निकालने, क्यों आप लोगों को ट्यूज़र चलाना अगर आता है ना तो उसको बहुत स्मूदली चलाएँ, एक एक बाल करके निकालें, फिर देखें कि दोनों आईब्रोज इक्वल हैं नहीं, अगर उन्हें और थोड़ा सा थिन करने की ज़रूरत है तो फिर एक एक बाल निकालें, एक एक बाल निकाल के आप अपनी शेप को पूरा करें। ऐसा नहीं करना कि एक ही दफ़ा में आप ट्यूज़र के साथ काफ़ी सारे बाल ले जाएँ, और आपने जब ट्यूज़र के साथ बाल निकाल लेने हैं तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अभी आप देख लें ये वाला हेयर एक्स्ट्रा है, इस हेयर को निकालना है, इस इन हेयर्स पे अगर ना निकालूंगी तो वो थोड़ा सा जो ना है ना वो शेप इसकी क्लियरली वाजिया नहीं होगी। आप लोग मेरी आईब्रोज देख सकते हैं कि मैं आईब्रोज को इसी तरह बनाती हूँ कि ऐसा लगता है जैसे पेंसिल के साथ ड्रा की हो। अगर आपसे ऐसी आईब्रोज नहीं बन रही ना तो आप लोग पहले पेंसिल की तरह ड्रा कर लिया करें, देन आप जो है ट्यूज़र के साथ उसे शेप देकर और देन लास्ट पर जो है आप थ्रेड्स यूज़ कर लिया करें नीट करने के लिए आईब्रोज को। ये भी आप लोगों के लिए एक मेन टिप है जी। यहाँ से अच्छी तरह से आपने इस तरह से हेयर्स को रिमूव करना है, जो हेयर्स का जिन हेयर्स का रुख ऊपर की जानिब होगा तो वो इस तरह से रिमूव होंगे, जिन हेयर्स का रुख नीचे की जानिब होगा तो वो आपके जो इस तरह से आप रिमूव करेंगी। बाकी जी फॉरहेड नीट होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि आईब्रोज जो हैं क्या आईब्रोज की शेपिंग थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब काम किया है, जब अपने व्यूवर्स को दिखाया है, एक चीज़ को समझाया है, तो मैं मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मेरे देखने वाले को समझ आनी चाहिए, उन्हें क्लियरली समझ आए कि जी उन्होंने काम किस तरह से करना है। हर चीज़ को आप लोगों को डिटेल में बताऊं, डिटेल में समझाऊं। अगर आप लोगों को पार्लर्स जाना अफोर्ड नहीं करती और अगर आप अपनी आईब्रोज खुद भी करना चाह रही हैं तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टिप ये होगा कि आप अपनी आईब्रोज को पहले कटिंग करें, कटिंग करने के बाद ट्यूज़र की हेल्प की मदद से आप लोग जो है वो शेपिंग कर लें, और शेपिंग करने के बाद देन आप थ्रेड के साथ उसे कर सकते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग आईब्रोज की शेपिंग देख सकते हैं। उसके बाद जी मेन, आप अगर यहाँ से हेयर जो है वो रिमूव करवाना चाह रही हैं या वैक्स करवाना चाह रही हैं फेस पे, तो आपने यहाँ वाले एरिया से वैक्स हरगिज़ नहीं करवानी। आप देख लें कि इन हेयर्स को आपने थोड़ा सा डाउन रखना है, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिनके वो जिन भी सैलून्स पे जा रही थी, मैं उनका नेम नहीं लूँगी, तो वो उनके इन पार्ट पे जो है वो वैक्सिंग कर देती हैं, जिसकी वजह से उनकी ये वाला पार्ट जो है वो जल जाता है, या स्किन सेंसिटिव होने की वजह से यहाँ से आपकी स्किन जाने का भी डर होता है। आपने बहुत ज़्यादा स्मूदली जो है फुल टाइट स्किन करवा कर देन आपने यहाँ से हल्का सा थ्रेड हल्के हाथ से करना स्टार्ट करना है, और अगर फेस पे वैक्स करवाना चाह रही हैं तो कोई इशू नहीं है, बट यहाँ से जो है आप हरगिज़ वैक्स ना करवाया करें। गाइज अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और जी सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बाकी अपना इन दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।